पे मरते हैं, हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं। दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या यह सवाल में ज्यादा परेशानी है, बनाने में ज्यादा समय लगेगा? नहीं। यदि आप सवाल को समझना जानते हैं तो सवाल में बनाने में कोई समय नहीं लगेगा, सिर्फ गुणा भाग और जोड़ से आपका सवाल को बनाकर दिखाऊंगा। सवाल कुछ नहीं है, यदि बनाने का तरीका आता हो तो बना सकते हैं, नहीं आता है तो आइए मैं आपको एक नया तरीका, एक अच्छा तरीका जो आप अपने इंस्टीट्यूट में नहीं सीखे होंगे, मैं वैसे प्रोसेस को बता रहा हूं, या जानते होंगे, कोई जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज से आप सीखें और आने वाले कंपटीशन में आप समय का बर्बादी ना करें, आसानी से सवाल को बनाएं। तो ये सवाल है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। इसका क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर, जिसे मैं आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, यदि जिसे निकालना है हमेशा आप उसे ऊपर रखें, जिसे नहीं निकालना हो आप उसे नीचे रखें। हम 20% छूट पे निकालना है तो 20% को हम ऊपर रखेंगे और 10% को नहीं निकालना है तो हम उसे क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। एक आपको फॉर्मूला भी दे देते हैं, यदि फॉर्मूला से याद रह जाए तो फॉर्मूला से बनाइएगा, नहीं याद रहे तो भी आप बना सकते हैं। फॉर्मूला है सो प्लस प्रोफिट इंटू सो माइनस डी टू डिस्काउंट टू, सेकेंड डिस्काउंट को ऊपर रखना है और फर्स्ट डिस्काउंट को नीचे रखना है, मैं आपको पहले ही बताया था, और सो माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका फॉर्मूला, आप इस पे सवाल को बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, आप इस पे बैठाइए सो प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% इंटू सो माइनस डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है बटे सो माइनस कितना का डिस्काउंट है, 10 का डिस्काउंट है, तो आप इसे हल कर ले 120 गुना 80 बटे 90, आप इसे काटे माइनस 100 दिया हुआ फॉर्मूला में, आप इसे 100 तो ये हो गया कितना, 3 चौक 12, 3 किया 9, 8 चौक 32, यानी कि 320 में बाय 3 में 100 घटाइएगा, 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 320 माइनस 300 बटे 3, यानी कहने का मतलब हो गया 20/3, मतलब 6.2/3% आंसर निकला। यदि इस तरह से आप नहीं बनाइएगा तो भी मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं बनाने का। दूसरा तरीका जो है बनाने का ये है, ये भी आसान तरीका से बनेगा, लेकिन आपको पहले इसका समझना होगा कि आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20% लाभ होता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, इस पे विक्रय मूल्य क्या है और इस पे विक्रय मूल्य क्या है। 10% छूट देता है, 100 रुपया में 10 रुपया छूट देता है तो 90 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस, और 20 रुपया लाभ होता है तो 100 रुपया मान लीजिए सीपी, मान लीजिए 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो 20% लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 रुपया। यदि सेलिंग प्राइस 20% छूट पर कितना होगा, 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर 120 बाय 90, ये कट गया हो गया 3/4, यानी कि 3/4/3, और 20% छूट दी जाए कितना हो जाएगा, 100 रुपया 20 रुपया छूट देगा 80 रुपया। जब 80% हो तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, 4/3 गुना 80 कितना हो गया 8/32, 320/3, मतलब कि 100 रुपया इसमें घटा दीजिए, ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ जो है 100 रुपया, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 320 माइनस 3 माइनस 100 कर देंगे कितना हो जाएगा 20/3, मतलब कि 6.2/3% होगा इसका आंसर। थैंक यू। इस तरीका से याद रखें या फॉर्मूला याद। ये सवाल है दोस्तों, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपये में खरीदा है कितना अंकित मूल्य करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% के छूट देने पर भी 10% का लाभ मिल सके। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है कितना अंकित मूल्य होगा। क्रय मूल्य दिया हुआ है 3000 रुपया, आप इसे विक्रय मूल्य में चेंज कर लें। इसका क्रय मूल्य जब 3000 रुपया है, सीपी 3000 है तो एसपी क्या होगा, एसपी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, यदि क्रय मूल्य आपके पास है, विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 10%, तो उसे आप गुना कर दें तो आपका
एसपी निकल जाए तो 100 रुपया हमें 10 रुपया लाभ लेगा, 110 रुपया होगा बटे 100, ये हो गया एसपी। एसपी से हम जाएंगे अंकित मूल्य निकालना चाहते हैं, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो 25% के छूट देंगे तो 100 रुपया में 25 रुपया कम करके लिखेंगे तो यह जो है छूट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो हम इसे निकालने के लिए डिस्काउंट देकर गुना नहीं करेंगे, हम इसे 100 पर गुना करेंगे, 100 से जब गुना करेंगे तो हमारा जो क्या निकलेगा वह अंकित मूल्य निकलेगा। तो 100 रुपया 25% छूट दे देगा, 100 रुपया 25 रुपया छूट देगा, कितना हो जाएगा 75 रुपया। तो आप इसे जो है 100 से गुना करेंगे तो अंकित मूल्य निकलेगा, तो ये 100 कट गया, बच गया क्या 25 किया 75, 25 से 12 120 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार में 40 आ गया, अब गुना करेंगे 44,000 रुपया हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसी से एक फॉर्मूला छोटा सा निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य बराबर सीपी इंटू 100 प्लस ये क्या है 10 जोड़े थे प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100 माइनस क्या है डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट, ये आपका छोटा सा फॉर्मूला निकल गया। आप इस फॉर्मूला को याद रख के बना सकते हैं, नहीं याद है तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, जब लाभ जोड़ करके गुना करेंगे तो सेलिंग प्राइस से निकलेगा, जब 100 से गुना करेंगे तो अंकित मूल्य निकलेगा। तो इस तरह से भी आप याद रख।